हेलो एवरीवन, डॉक्टर अंकिता हियर। आई वेलकम यू ऑल। एंड आज का हमारा टॉपिक है लंग्स को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट ड्यूरिंग दिस दिवाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड आज हम देखने वाले हैं कि हमारे लंग्स के लिए कौन सा अच्छा खाना है जिससे हमारे लंग्स अच्छे रह सकते हैं। ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है बिकॉज इन दिवाली बहुत सारी फटाकों की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। सो लंग्स के जो पेशेंट है वो बहुत अफेक्ट होते हैं। सो ऐसा कौन सा डाइट है जो लंग्स के लिए अच्छा है वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें पहली चीज़ आती है, वो है हाइड्रेशन। सो वाटर इंटेक, हमारा जो पानी का इंटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की जो इनर लाइनिंग है, जो म्यूकोजल लाइनिंग उसको बोलते हैं, वो अच्छी रहती है। सो प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना ज़रूरी है। देन फाइबर रिच डाइट। तो हमारे खाने में जो भी सब्जी आती है वो तो फाइबर रिच है, उसमें बहुत चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे कि ब्राउन राइस, होल ग्रेन, देन ओट्स और एक चिया सीड्स यानी कि सब्जा, वो हमारे डाइट में होना चाहिए, जिसकी वजह से लंग अच्छे रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ये होता है जिसमें कुछ बेरीज आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सब चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी है। नेक्स्ट आता है टोमेटोज। तो टोमेटोज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द अस्थमा पेशेंट। ये टोमेटोज जो है, इसमें कोई जो कंटेंट है वो जो स्पूटम यानी कि जो अस्थमा पेशेंट को तकलीफ देता है खांसी आने के बाद जो बाहर निकलता है एक्सपेक्टोरेशन, वो कम करने में टोमेटोज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो टोमेटोज ऐसे भी आप लंग्स पेशेंट को दे सकते हो, लेकिन दिवाली में खासकर उनके डाइट में ये ज़रूर ऐड करना। नेक्स्ट आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें कैरोटेनॉइड करके एक सब्सटेंस रहता है जो हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ देता है। फ्रेश फ्रूट्स जो जिसमें आते हैं विटामिन सी और विटामिन ई रिच फ्रूट्स जो भी है वो सब हमारे डाइट में होना चाहिए। देन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज़, योगर्ट, ये सब हमारे डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए, जिसकी वजह से लंग्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अब हम जा रहे हैं जो हमें अवॉइड करना है, जो लंग्स पेशेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसमें फर्स्ट आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। तो लंग्स में सूजन आ सकती है अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो। नेक्स्ट है हाई कॉफ़ी इनटेक। तो कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेनी है, अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी लेते हो तो वो लंग्स के लिए इंजूरियस है। नेक्स्ट है रेड मीट एंड अल्कोहल। तो रेड मीट इज़ इंजूरियस टू लंग। एंड नेक्स्ट है अल्कोहल, उसके लिए तो हर एक कंडीशन में इन एनी फॉर्म बिग नो। सो ये सब चीज़ें जो अवॉइड करनी है, और कुछ चीज़ें जो मैंने बोली वो आपको फॉलो करनी है। तो आई होप सबके लिए ये दिवाली बहुत अच्छी रहे, और वंस अगेन मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैंने यूट्यूब में एक शॉर्ट जो चालू किया है वो है मेडिसिन अराउंड अस, जिसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे आजू बाजू की चीज़ें हैं और जो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उसमें से मिल रही है। तो वो शॉर्ट ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वेरी हेल्दी सेफ हैप्पी दिवाली टू यू ऑल वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच।